हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 2 जून 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आईआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, किसी के भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर ना करते आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ये आपके सामने हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए मजेदार AI नामक युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो भारत के युवाओं को नई युग के तकनीकी दिमाग के साथ सशक्त बनाता है, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार करना। कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं 14वें नंबर के, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ये आपके सामने हैं, इन्हीं से मैंने आपको पिछला क्वेश्चन भी बताया था। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल AI.government.in लॉन्च किया है। इसे IT उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह AI से संबंधित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लेखों, निवेश फंडों, AI स्टार्टअप्स, कंपनियों, संसाधनों और शैक्षणिक संस्थाओं जैसे AI से संबंधित संसाधनों को साझा करने के लिए होगा, और इसलिए भारत में AI से संबंधित विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 445 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% यानी 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत वह राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। राज्य ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों, SC ST के वर्चस्व वाले क्षेत्रों, गांवों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, संसद आदर्श ग्रामीण गांवों, आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी है। चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी है नया रायपुर, अब नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां चल के आप नेम चेंज से देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है। कैरेट इंडिया ने हाल ही में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है? कैरेट इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनीता कोटवानी। आपके सामने है ये देखिए, अनीता कोटवानी जो कि कैरेट इंडिया के नए CEO बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अनीता कोटवानी को डेंसु इगिस नेटवर्क DAN के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी
कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मीडिया एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वह कैरेट इंडिया की रणनीति प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वृद्धि की दिशा में काम करेंगी। वह एजेंसी के भीतर क्षमताओं के विकास और अग्रणी उपकरणों के साथ साथ क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके मीडिया एजेंसी को उन्नत एकीकृत समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। नरिंदर बत्रा जो कि ऑप्शन ए में आप लोग दिख रहे हैं, नरिंदर बत्रा जो कि ओलंपिक चैनल कमीशन के नए मेंबर यानी सदस्य बने हैं। ऑप्शन बी में है थियरी डेला पोर्टे जो कि हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इमान इज्जत जो कि हाल ही में कंपोजनी ग्रुप के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। चलिए इतना जानकारी काफी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण सिंघल। दोस्तों अरुण सिंघल आपके सामने हैं जो कि FSSAI के नए सीईओ बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में अरुण सिंघल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं। FSSAI भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक स्थापित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए प्रभारी है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वारैसा अब्दुल करीम, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन एड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलिए यहाँ FSSAI का बात आया है तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। FSSAI जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था अगस्त 2008 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, हाल ही में IIFCL के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? IIFCL के यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, PR जयशंकर। दोस्तों PR जयशंकर ये आपके सामने हैं जो कि IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए MD बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में PR जयशंकर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कुछ अन्य नियुक्तियों में शामिल हैं वसंतराव सत्य वेंकट जो कि ऑप्शन बी में है को उप प्रबंधक निदेशक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए DMD, आशा बंगारी जो कि ऑप्शन सी में है को एक्जिम बैंक का DMD नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार बंसल जो कि ऑप्शन डी में है को IFCI लिमिटेड का DMD नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है ताकि तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके जिसमें रोकी जा सकने वाली मृत्यु और बीमारी भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1987 से 31 मई तक हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। इस वर्ष जश्न का दिन तंबाकू का उपयोग करने के जोखिमों पर जनता को जागरूक करेगा। युवाओं को आकर्षित करने के लिए तंबाकू कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक प्रथाओं, WHO द्वारा तंबाकू महामारी से लड़ने के लिए किए गए प्रयास
और दुनिया भर के लोग कैसे अपना दावा कर सकते हैं भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन का अधिकार। अब चलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम जान लेते हैं। थीम है 2020 का टोबैको एक्सपोज्ड। अच्छा यहाँ WHO का बात आया तो WHO के द्वारा मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसलिए WHO के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को और हेड है टेड्रोस अधानोम। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। 1 जून जो कि आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां विश्व दूध दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। दोस्तों 1 जून को विश्व दूध दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने के लिए 1 जून को हर साल विश्व दूध दिवस मनाता है। इस वर्ष इस दिवस को एरी डेयरी रैली के साथ मनाया गया है जो 29 मई 2020 को शुरू हुआ और विश्व दूध दिवस के साथ संपन्न हुआ। अब चलिए जान लेते हैं थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2020। 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इसका थीम है। अब चलिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस मनाया जाता है। यह अपने बच्चों के पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी को पहचानता है। यह बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। पूरे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। 30 मई गोवा स्टेटहुड डे, 31 मई नो टोबैको डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वे कौन थे? वाजिद खान कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी वाजिद खान जो थे वो एक गायक थे यानी सिंगर थे और म्यूजिक कंपोजर थे, संगीतकार थे। ये आपके सामने है वाजिद खान। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। गायक और संगीतकार वाजिद खान का निधन। वह अपने भाई साजिद के साथ अपनी साझेदारी के लिए प्रसिद्ध थे और इस जोड़ी को साजिद वाजिद के नाम के रूप में माना जाता था, जिन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और गर्व तेरे नाम जैसी कई फिल्मों में काम किया, तुमको ना भूल पाएंगे साथी और अन्य। वाजिद खान ने गायन रियलिटी शो सारेगामापा 2012 और सारेगामापा सिंगिंग स्टार के प्रतिभागियों का उल्लेख किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। हाल ही में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मेरा जीवन मेरा योग किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये आपके सामने हैं, जो कि वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग लॉन्च किए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरा जीवन मेरा योग जीवन योग भी कहा जाता है नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। मेरा जीवन मेरा योग आयुष्मान मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का एक संयुक्त प्रयास है। प्रतियोगिता दुनिया भर के सभी प्रतियोगियों के लिए खुली है। प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां दे सकेंगे। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में, पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर हैं। चलिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म होता है। इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यसो नाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में 2020 में विराट कोहली कितने स्थान पर हैं? 100 एथलीटों की सूची में जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया है
सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट में। 2020 में विराट कोहली का स्थान कितना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 66वां। एकमात्र भारतीय है 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में, जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया है। एकमात्र भारतीय है विराट कोहली। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में शामिल होने वाले भारतीय बन गए हैं। वह सूची में 66वें स्थान पर हैं। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने फोर्ब्स की टॉप 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में पहली बार अनुमानित कमाई 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर और लियोनेल मेसी 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर पाकर के तीसरे स्थान पर 2020 की सूची में 21 देशों के एथलीट और 10 खेल शामिल थे। तो दोस्तों पहले स्थान पर हैं आपके रोजर फेडरर जिनका कमाई है 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर और तीसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी जो कि 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सेवा प्रदाताओं पर IBB सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? IBB जिसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है सेवा प्रदाताओं पर IBBI सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए TB मोहनदास पाई। TB मोहनदास पाई ये आपके सामने है जो कि सेवा प्रदाताओं पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया समिति की अध्यक्षता करेंगे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने TB मोहनदास पाई मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज चेयरमैन TB मोहनदास पाई हैं के तहत सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का गठन किया है। यह 12 सदस्यीय पैनल है जो सेवा प्रदाताओं के विनियमन और विकास पर पेशेवर सहायता प्रदान करेगा। IBB एक दिवाला और दिवालियापन संहिता कार्यान्वयन संस्था है। IBBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।